देपालपुर के बेटमा थाना क्षेत्र के रावत गांव में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, जिसमें परिवार के खिलाफ शादी करने को लेकर सगे भाई ने अपनी ही बहन को गोली मार दी, जिसमें गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया, जहां महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बेटमा के रावत निवासी शुभन जाट ने अपनी बहन को परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने को लेकर गोली मारी थी। मृतका उसका पति भी गांव उसी निवासी का है, जो शादी के बाद गांव में ही रह रहे थे, जिसे देख मृतका के भाई को नाराजगी थी और उसी के चलते मृतका के भाई ने उसे गोली मार दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। देपालपुर क्षेत्र के ऑनर किलिंग का ये पहला मामला सामने आया, जिसमें सगे भाई ने अपनी ही बहन को गोली मार दी। कुलदीप और ये इनने शादी करी जी, तो प्रेम विवाह करो था इनने। वो जाट समाज की लड़की है, अपन राजपूत है जी, तो भी नाराजी तो थी सही, पर इतनी यह नहीं मालूम थी एकदम ऐसा हो वो। वे दो आदमी आया गाड़ी से, एक यहाँ ही खड़ो रहो, चालू गाड़ी रखी, और वो जैसे ही घर में घुसे हो बस गोली मारते से ने पीछे से भागी। जिसने गोली मारी वो कौन था लड़की का? वो लड़की को भाई था, शुभम नाम, शुभम नाम था। आपका नाम? मारो सोदान सिंह, लड़का को पिताजी। वो पति पत्नी एक वर्ष पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था, आर्य समाज से विवाह हुआ था उनका, और दोनों खुशी के साथ रह रहे थे। इसी बीच कुलदीप अपने घर मिलने माता पिता से आया हुआ था। कुलदीप कहाँ पर रहता था, उसका निवास स्थान कहाँ पर है? कुलदीप इंडोरामा रहकर, कुटी इंडोरामा रहकर वहाँ पर ही प्राइवेट कंपनी में कार्य करते हुए वहाँ पर दोनों रह रहे थे। पहले एक ही गांव के थे ये लोग? हाँ, दोनों एक ही गांव के थे। एक ही गांव, तो इन्होंने लव मैरिज करा? हाँ, प्रेम विवाह होता है इनका। उसके बाद विवाह हुआ इनका आर्य समाज से, और एक वर्ष तक सूचना मिली थी कि ग्राम रावत में गोली कांड हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर हम अपने पूरे दल के साथ ग्राम रावत पहुँचे, तो वहाँ पता चला कि ग्राम रावत की रहने वाली बुलबुल ने जो जाट समाज की है, राजपूत समाज के लड़के से प्रेम विवाह कर लिया था। इस बात से उसका भाई नाराज था, उसके भाई ने नाराज होकर उसको कनपट्टी पे गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके ससुराल वाले उसको लेके MIH इलाज के लिए रवाना हुए थे, जहाँ अस्पताल में पहुँचने के बाद उसका निधन हो गया है। आरोपी नाबालिग है, उसको हमने पकड़ लिया है। हम उससे घटना की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, और प्रकरण में जांच जारी है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।